व्हेनेवर यू टॉक, तो हमें ये पता है कि एपिक अगर लिटरेरी टर्म के हिसाब से हम बात करेंगे तो एक कॉमन सा बात की जाती है कि एपिक इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो एपिक है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट कि जो एपिक है, एपिक इज ऑल लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वन। एपिक जो है ये आपका लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, VERS। और इसके अलावा क्या क्या बताया जाता है कि एपिक आप में आपका लॉन्ग नैरेटिव, एक लंबी कहानी सुनाई जाती है जो कविता के रूप में होती है। दूसरा चीज एपिक में क्या होता है कि एपिक में ग्रांड स्टाइल होता है। जो स्टाइल उसका, जो प्रेजेंटेशन का तरीका होगा वह कैसा होगा, वह ग्रांड होगा, GRAND, ग्रांड स्टाइल में होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप ग्रांड स्टाइल की बात करते हैं तो ग्रांड स्टाइल के अलावा उसमें एलिवेटेड थॉट होता है। कैसा थॉट होता है, एलिवेटेड, ELEVATED, एलिवेटेड थॉट होता है, THOUGHT, एलिवेटेड थॉट होता है। कुछ विचार को लेकर के, ऐसा नहीं कि किसी ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर या किसी कॉमन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के एपिक लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। और उसमें अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो है मोस्ट प्रोबेबली यू फाइंड कि वो क्वाजी डिवाइन फिगर होते हैं, QUASI, क्वाजी डिवाइन फिगर। क्वाजी डिवाइन फिगर का मतलब कि वो जो है सुपर नेचुरल हो सकते हैं, या अगर नेचुरल भी है तो उनमें इतना हीरोइज्म दिखाया जाता है कि, या इतना ब्रेवरी है, कॉरेज है, इट सीम दैट कि दे हैव द स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दे हैव द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, या दे हैव द सेलेस्टियल डिलाइट, या दे हैव डिविनिटी, दे हैव डिविनिटी, दे हैव सेलेस्टियल ब्यूटी। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की विशेष अनुकंपा उनके ऊपर होती है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट दीज राइटर्स, जब भी आप इन राइटर्स को लेकर के बात करते हैं, या वेन एवर यू टॉक अबाउट एपिक या उसका कैरेक्टर, तो ये चीजें समझना कि क्वाजी डिवाइन फिगर या ये सब चीजें होती है। अब उसके बाद एपिक को लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें कुछ और भी चीजें होती है। उन चीजों में से इफ यू गो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह कौन सा है कि एपिक में जो शुरू में आया था वो क्या था, वो जो है ट्रेडिशनल एपिक, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल एपिक और प्राइमरी एपिक कहा गया। जो ट्रेडिशनल या प्राइमरी एपिक होता था ये ओरल फॉर्म में होता था, उसके कैरेक्टर्स, उसका इवेंट पहले से ही जो है लोगों को रटा हुआ होता था, इट वॉज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बाद में कोई राइटर आता है उसको रिटेन शेप देता है। होमर का इलियड एंड ओडिसी है, बियोल्फ है, ये सब आपका क्या है, प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक है। दूसरा जो एपिक का तरीका है, या दूसरा जो हम बात करते हैं वो आपका कौन सा है, दूसरा जो एपिक का तरीका है वो जो है सेकेंडरी एपिक है, SECONDARY। वो कौन सा तरीका है, सेकेंडरी एपिक है। ये जो सेकेंडरी एपिक है इसको हम लिटरेरी एपिक कहते हैं, लिटरेरी एपिक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिटरेरी एपिक कहते हैं। तो वी सी या वी फाइंड की सेकेंडरी एपिक होता है और सेकेंडरी एपिक को हम लिटरेरी एपिक कहते हैं। इसमें फर्क ये होता है कि इसमें पोएट का अपना खुद का इंडिविजुअल टैलेंट नजर आता है, और कैरेक्टर्स हुआ या जो इवेंट हुआ या थीम हुआ या जो आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन हुआ उसमें उसका खुद का जो है एक इंडिविजुअल आर्टिस्टिक ब्यूटी, उसका आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप, वो सब चीजें, उसका आर्ट नजर आता है। ये चीजें हमें ध्यान में रखना। और इसका एग्जांपल कौन सा है, वर्जिल का ये नीड है, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, जॉन मिल्टन का है, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है, सोहराब एंड रुस्तम है, या अगर आप और बात करेंगे फेरी क्वीर वगैरह है, और जॉन कीट्स का जो फ्रेगमेंट्री एपिक रहा है वो सबका सब इसके अंतर्गत आता है, जो जिसका हाइपीरियन या फालिंग ऑफ हाइपीरियन करके कौन सा था उनका, जानकी उसका। तो दीज थिंग्स यू सी जो, अब इसी से
जुड़ा हुआ एक और टर्म है जो पिछली वाली शीट पे, चूंकि हमने पेज को पलट दिया है, तो पिछली वाली शीट पे ही वहां पे दिया गया है कि मॉक एपिक क्या होता है, MOCK, मॉक एपिक। जो मॉक एपिक है वो कुछ नहीं है, मॉक एपिक जो है पैरोडी है, किसका, एपिक का पैरोडी है। बस इसमें फर्क यही होता है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा एपिक का और मॉक एपिक का, मॉक एपिक में ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर लिया जाता है, माइनर सब्जेक्ट मैटर लिया जाता है, उसमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ली जाती है, बहुत ही उसको जो है कॉमिक वे में उसका प्रेजेंटेशन होता है, लाइट वे में उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो जो मॉक एपिक होता है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो ट्रिवियल होगा, वो माइनर होगा, ये चीज होगा। उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, ट्रिवियल होगा। उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, माइनर होगा। उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, रिडिकुलस होगा, RIDICULOUS, रिडिकुलस होगा। सो व्हाट डू यू सी देयर, मॉक एपिक, मॉक एपिक में जो सब्जेक्ट मैटर है ट्रिवियल है, माइनर है, और क्या है, और रिडिकुलस है। दिस थिंग्स यू सी, दिस थिंग्स यू फाइंड। और जो मॉक एपिक है वो क्या है, वो पैरोडी है, किसका पैरोडी है, एपिक का पैरोडी है। और ये आपको पता है कि जो द रेप ऑफ द लॉक है किसका, अलेक्जेंडर पोप का, वो किसका एग्जांपल है, मॉक एपिक का एग्जांपल, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक। फिर उसके बाद एक शब्द आ रहा है एपिक सिमली। एपिक सिमली जो है यह एक ऐसा सिमली है जो होमर ने जब एपिक में पहली बार सिमली का यूज किया था तो उसी को एपिक सिमली कहा जाता है। और ये जो है क्या होता है, इसको प्रोलॉन्ग्ड सिमली भी कहते हैं। जो एपिक सिमली है या जो प्रोलॉन्ग सिमली है वह पूरा एक एक पूरे स्टैंजा में यूज किया जाता है। तो एपिक सिमली इज आल्सो नोन एज प्रोलॉन्ग, PROLONGED, प्रोलॉन्ग सिमली इज कॉमनली यूज्ड इन एपिक और हीरोइक पोएट्री, गिविंग द सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड एंड सूटेड टू इट्स ग्रैंडियर। Thus in Paradise Lost, book first, Milton was to say that the fallen Satan is as big as a whale. तो इसको प्रोलॉन्ग सिमली कहा जाता है और इसका यूज जो है होमर ने किया था, इसके नाम पे उसको होमरिक सिमली भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन ने सेटन की तुलना वेल से किया हुआ है और ये एक एग्जांपल है किसका, एपिक सिमली का। नेक्स्ट वर्ड है फैबलियू, फैबलिया, FABLIAU, प्लूरल इसका है फैबलियॉक्स। फैबलियू जो है यह एक ह्यूमरस टेल होता है, कैसा टेल होता है, ह्यूमरस टेल होता है फैबली, FABLIAU, और इसका प्लूरल क्या है, फैबलिया, प्लूरल जरूर ध्यान में रखिएगा, FABLIAUX, यह एक ह्यूमरस टेल होता है। और इसका जो है जो ह्यूमरस ये टेल है इसका से, ये कहाँ से लिया गया, ये जो पहले मेडिवल फ्रांस में इसका जो पोएम्स वगैरह या स्टोरीज वगैरह होता था उसमें इसका यूज किया जाता था। फिर कह रहे हैं कि फैबलियस वर स्टोरीज ऑफ वेरियस टाइप्स, कई तरह का इसमें स्टोरीज होता था। वन पॉइंट वाज अपर मोस्ट, इसमें ह्यूमरस स्लाइस अटायर होता था। दीज स्टोरीज ऑफ एन बॉडी डीलिंग विद सेक्स और क्लर्जी रिडिक्यूल्ड वुमनहुड एंड वाज रीडिली अंडरस्टैंडेबल टू एनी बॉडी। चासर स्पेशली लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ फैबलियस इन द टेल्स ऑफ द मिलर रीड मर्चेंट एंड शिपर। व्हाट आई वांट टू से कि आपको कुछ नहीं समझना, बस इतना जानना है कि जो फैबलियू है यह एक तरह से क्या है, यह एक तरह से का ह्यूमरस टेल होता था जो मेडिवल फ्रांस में पॉपुलर था। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फैबलियू वाज व्हाट, इट्स वाज अ ह्यूमरस टेल पॉपुलर इन मेडिवल फ्रांस, और इसका प्लूरल क्या होता है, फैबलियॉक्स होता है। ये पार्टिकुलर चीज, इसमें कुछ क्लर्जी मैन और कुछ रिडिकुलस वुमनहुड को लेकर के इसमें बातें गई है या स्टोरीज को बताया हुआ गया है। चासर का जो मिलर टेल्स है उसमें जो है फैबलियू का यूज किया गया है। तो इट वाज फैबलियू वाज व्हाट, फैबलियू वाज अ ह्यूमरस टेल पॉपुलर इन मेडिवल फ्रांस, ये लाइन अकेले आप ध्यान रखें। फिर है फार्स की, फार्स से क्या मतलब है, जनरली मींस लो कॉमेडी। जो फार्स होता है इसका जनरली मीन क्या होता है, लो कॉमेडी होता है। Intended to excite laughter, इसका जो purpose होता है कि लोगों में हंसी उत्पन्न करना, चाहे वो जो है बफनीरी के माध्यम से हो, किसी चीज को exaggeration के माध्यम से हो, या कुछ inferior variety of entertainment को लेकर के हो। जैसे कभी कभार हमें कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा जो
हम ये कहें कि रिडिकुलस टाइप का हो या इंटीरियर टाइप का, जिसमें जोक्स हो सकता है, जोक्स के अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ और भी जो है व्यंग के रूप में अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो वो है। फार्स जो है क्या है, एक लो कॉमेडी का रूप है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। जो FARCE फार्स एक तरह का टाइप ऑफ कॉमेडी है, लेकिन यह किस तरह का टाइप ऑफ कॉमेडी आता है, लो कॉमेडी का हिस्सा है। जो इंटेंडेड इसका पर्पस क्या होता है, इंटेंडेड टू एक्साइट लाफ्टर। ये जो लिखी जाती है या जो प्रेजेंट की जाती है कि हमें लाफ्टर को जो है क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और ये जो लाफ्टर आएगा किसके माध्यम से, बाई मीन्स ऑफ बफलरी एंड एग्जेजरेशन। द टर्म इज ऑफन यूज्ड इन अ डेरोगेटरी सेंस टू इंडिकेट एन इंफीरियर वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट। शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड निकोलस उडार का राल्फ राइस्टर डॉइस्टर, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, फार्स का एग्जाम्पल है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि जो लो कॉमेडी का, लो कॉमेडी के लिए कौन सा वर्ड आया है सर? फार्स। फार्स गया, फार्स जो है लो कॉमेडी के लिए फार्स आया हुआ है। इसका इंटेंशन क्या होता था, लिखने के पीछे क्या होता था, टू एक्साइट लाफ्टर, एक्साइट लाफ्टर। और उसमें क्या होता था, उसमें जो है कुछ इंफीरियर वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट वगैरह किया जाता था, जैसे बफनरी हो गया, एग्जेजरेशन कभी कभार हो गया, और जानबूझ करके ऐसा थीम, ऐसा इंडिकेशन लेकर के आ जाता जिससे लोगों में हंसी हो। जो शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स है और जो राल्फ राइस्टर का निकोलस, राल्फ राइस्टर डॉइस्टर जो निकोलस उडाल का है, ये किस कॉमेडी का एग्जांपल है सर? फार्स का। ठीक है, फार्स का। जो फैबलियो है उसका प्लूरल क्या है सर? फैबलेक्स। जो फैबलेक्स है, तो अगर फैबलेक्स है तो एक एक ह्यूमरस स्टोरी होती है या ह्यूमरस टेल होता, छोटी सी कहानी, एक किस कंट्री में मेडिवल एज में बहुत ज्यादा पॉपुलर था सर? फ्रांस में। फ्रांस में सर। चासर के, चासर के किस कैरेक्टर में फैबलिया नजर आता है सर? मिलर में। मिलर में, ठीक है, गुड। एपिक सिमली आपको मैं बता ही चुका हूँ, एपिक मैंने, मॉक एपिक मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, फायर ऑफ लंदन द ग्रेट, ये कोई लिटरेरी टर्म नहीं है। फायर ऑफ लंदन द ग्रेट एक घटना थी जो 1666 ईस्वी में घटित हुई है, नंबर वन पॉइंट। और इसको एक डायरिस्ट है जिनका नाम जो है क्या था, सैमुअल पेपिस था, SAMUEL, सैमुअल पेपिस, PEPYS। सैमुअल पेपिस ने इस घटना का जिक्र अपनी डायरी में किया है, और ये घटना कब की, 1666 ईस्वी की है। इसमें हुआ क्या था, लगभग 13,000 घर जल गए थे, 87 चर्चेस जल गए थे, जिसमें एक बहुत पुराना चर्च था, ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च था, वो भी जल गया था। और इस घटना का जिक्र जॉन इवलिन और सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी में किया हुआ है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो लंदन फायर है या कोई वो नहीं था, बल्कि एक घटना थी या एक डिजास्टर था जो 1666 ईस्वी में आया हुआ था। और इसके अलावा एक प्लेग बीमारी भी आई थी 1665 ईस्वी में। तो ये दो घटना, जो प्लेग बीमारी तो 1665 में थी, और जो लंदन फायर था वो 1666 में हुआ था। और लंदन फायर में 13,000 घर, 87 चर्चेज, जिसमें एक बड़ा फेमस चर्च था ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल, वो भी था, जिसका जिक्र सैमुअल पेपिस और जॉन इवलिन ने, जो डायरिस्ट है, उन्होंने किया। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो लंदन फायर की घटना कब होती है सर? 1666। ठीक है, और जो प्लेग आता है वो कब हुआ था, जो डिजीज था सर? 1665। इन दोनों घटनाओं का जिक्र किसने किया हुआ है सर? इसमें कौन सा एक बहुत फेमस चर्च जल गया था सर? कैथेड्रल, सेंट पॉल सर, सेंट पॉल कैथेड्रल। देन यू सी व्हाट, देन यू सी की जॉर्जियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, जो जॉर्जियन एज है वो 1914 से लेकर 1940 तक है, जॉर्जियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर।
1914 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक है, और एक किसके नाम पर रखा गया था, जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया था। अगर आपको याद होगा कि जॉर्जियन एज से पहले मैंने आपको पढ़ाया था एडवर्डियन एज, जो एडवर्डियन एज था वो 1910 तक, कुछ लोग 1914 तक भी लेकर के गए हुए थे, उसको बात हुई थी, और वो एडवर्ड सेवन के नाम पर रहा था। इसी तरह से एक इंग्लिश लिटरेचर में जॉर्जियन एज आता जो 1914 से 1940 तक रहा है लिटरेचर में, लेकिन जिसके नाम पर यह रखा गया उनका शासन 1910 से 1936 तक था, क्योंकि एडवर्ड सेवन के बाद जो नए राजा आते हैं वो जॉर्ज फिफ्थ थे, तो जो जॉर्जियन एज है वो जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर। कब से कब तक रखा गया, 1910 से लेकर 1936 ईस्वी तक, और फिर जो है कब से कब तक और रहा, 14 से लेकर के 40 तक लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उन्होंने जो शासन किया रूल किया वो 10 से लेकर 36 तक रहा। उनके पहले कौन से किंग थे, एडवर्ड सेवन थे जो 1 से लेकर के 10 तक थे। उनके पहले कौन सी थी, क्वीन विक्टोरिया थी जो 1837 से 1901 ईस्वी तक थी। तो इतना तीन चीजें यहाँ पे और क्लियर हो जा रही है, ये रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो जॉर्जियन एज है इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला चीज कि इसमें पोइट्री में बड़ा काम होता है जॉर्जियन एज में। कौन कौन से पोएट आते हैं, एक तो बड़ा नाम है टी एस एलियट का जॉर्जियन एज में, टी एस एलियट, डब्ल्यू बी येट्स भी रहे, और वार पोएट्स में मैंने, अगर आपको याद होगा, सीज प्रायर सेशन को लेकर मैंने बात किया था, रूपर्ट ग्रुप को लेकर मैंने बात किया था, विल्फ्रेड ऑवेन को लेकर के मैंने बात किया था, ये सारे के सारे लोग आते हैं। फ्रेंच पोइट्री भी आती है, और इसी समय जो है नॉवेल में भी बड़ा नाम जो है आपका पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के राइटर हेनरी जेम्स आते हैं, और वर्जीनिया वुल्फ आती है, ये सारे लोग भी जो है क्या है रहे हुए हैं। और इसी समय जो है एक टर्म नया आता है जिसको हाई मॉडर्निज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाई मॉडर्निज्म। इसलिए हाई मॉडर्निज्म की शुरुआत 1922 से मानी जाती है और 1945 तक चलता है। हाई मॉडर्निज्म का मतलब ये होता है कि मॉडर्निज्म अपने उरूज पर था। और क्यों, किसकी वजह से ऐसा कहा जाता है, 1922 में द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था, 1922 में द यूलिसिस नाम का नावेल जो है पब्लिश हुआ था जो जेम्स जॉयस का था, और 1922 ईस्वी में ही एक और वर्क वर्जीनिया वुल्फ का आया था, शायद थ्री गुलियाद नाम था। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं जिसमें मॉडर्निज्म का सारा स्प्रिट नजर आता है, इसी वजह से इसको हाई मॉडर्निज्म कहा गया इस डेट से लेकर इस समय तक का जो है। तो अगर जब भी बात आएगी एडवर्डियन एज, तो एडवर्डियन एज का जो टाइम है राजा के हिसाब से 10 से लेकर के 36 तक, और लिटरेचर के हिसाब से जो है आपका 14 से लेकर के आपको 40 तक। तो ये लिटरेचर वाले हिसाब से आपको नहीं जाना है, हमेशा राजा का जो टाइम रहा वही आपको मानना, 10 से लेकर के 36 तक ही। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत हुआ था, इस वजह से लोग वहां से उसको मानना शुरू कर देते। बाकी मैंने आपको बताया कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं। पोइट्री में बड़ा चीज होता है, इसी दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, पोइट्री में बड़े नाम मैंने आपको गिनाए, नावल में मैंने आपको नाम गिनाए, और ड्रामा में भी प्रॉब्लम प्ले आप देखते हैं, पोइट्री प्ले आप देखते हैं, जे एम सिंह को आप देखते हैं, और टी एस एलियट का भी पोइट्री प्ले में कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब बड़े नाम रहे जो आप उस समय देखते हैं। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें रहेंगी। देखिए जैसे मैंने अभी नाम गिनाया था कि कौन कौन से लोग थे, या ये जो बहुत रिच था इसमें गार्ल्सवर्थी है, वेल्स है, वेल्स मतलब एच जी वेल्स, बेनेट है, जोसेफ कॉनरी रिचार्डसन है, वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, एल्डस हक्सली है, इवलिन वॉ है, ग्राहम ग्रीन है, ये सब बड़े नाम है, टी एस एलियट है, येट्स है, टी एस एलियट का द वेस्ट लाइन इसी एज में आता है। तो
तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जब भी जॉर्ज एलिस पढ़ना तो ये माइंड में आपको रख करके बात करनी है, प्लस वार पोयर्स को लेकर के भी आपको बात करनी चाहिए। इसी एज में जो पोइट्री आती है उस, और मैंने पहले बता दिया था कि ये जो एज रहा है जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर था, और उन्हीं के नाम पर जो पोयर्स इस समय के थे उनके नाम पर उसको जॉर्जियन पोइट्री कहा गया। इस समय के जो पोयर्स थे कौन कौन से थे, जैसे वार पोयर्स में रूपर्ट ब्रूक रहे हैं, डब्ल्यू एच डेवीज रहे हैं, वाल्टर डीला मेयर रहे हैं, डी एच लॉरेंस रहे हैं, जॉन मिल्स ग्रेव रहे हैं, डब्ल्यू पी येट्स रहे हैं, एज्रा पाउंड रहे हैं, टी एच एलियट रहे हैं, ये सब। तो इनके जो पोयम जो इनके लिखने का तरीका था या जो कुछ भी इन्होंने लिखा जियन पोइट्री कहा गया। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जॉर्जियन पोइट्री क्या है, इस दरमियान जो भी पोयर्स था उन्हीं को जॉर्जियन पोइट्री का, कि उन सबका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जिसमें मैं आपसे कुछ ये बात करूँ कि हाँ इस तरह की चीजें रही है। आपको ये समझना है, पोयर का नाम समझना है, लिटरेचर में क्या तब्दीली आई वो चीज समझना है। तो मेरे ख्याल से भी सब क्लियर हो गया कि जॉर्जियन पोइट्री कौन कौन से पोयर्स है, क्या क्या रहा है, क्या क्या चीजें रही, ये सारे नाम आपने सुना पढ़ा है। जब अभी मैंने मॉडर्न एज पढ़ाया तो सब ये सब चीजें आए थे। क्लियर हो गया, मुझे आगे चलना चाहिए? यस सर, यस सर। उसके बाद जो है, उसके बाद जो एक और एज आता है वो कौन सा है, ग्लोब थिएटर है। एज नहीं आता, ग्लोब थिएटर एक वो है। जो ग्लोब थिएटर है, अगर आपको याद होगा बहुत पहले की इसको जो है लार्ड ग्लोब थिएटर को, द थिएटर यूज बाय द लार्ड चैम्बरलेन कंपनी। और जो ग्लोब थिएटर है इसको जो है इसके शेयर होल्डर भी ये थे, और ये रिचर्ड बर्बेज के द्वारा 1598 ईस्वी में बनवाया गया था, लेकिन सही मायने में 1599 ईस्वी में उसका ग्लोब थिएटर को दिया जाता है। तो जो ग्लोब थिएटर एक थिएटर का नाम है, यहाँ पे एक उससे रिलेटेड कई चीजें थी इसलिए अलग से डिस्कस कर लिया जा रहा है। तो ग्लोब थिएटर के बारे में जब भी बात होगी तो हमें क्या समझना है कि जो ग्लोब थिएटर है इसको जो है हम एक और नाम से भी जानते हैं, वह क्या है, लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी हुआ था। शेक्सपियर इसके शेयर होल्डर में भी थे, इसको रिचर्ड बर्बेज ने 1598 में बनवाया हुआ है, और इसका जो ये जो है जिस पहले जिस मटेरियल पे बनाया गया था वो 1576 में कोई थिएटर था, द थिएटर, उस पर ये बनाया गया था। बाद में जो है ये साउथ बैंक साइड में जाकर के टेम्स नदी के किनारे इसको ले जाया गया, और यह ओपन थिएटर था, यू फाइंड उसमें ये सब चीजें थी। लेकिन इसमें एक चीज ये रहा है कि इसका जो परफॉर्मेंस था इसमें जो करीब 1200 दर्शक बैठ सकते थे, और इसमें जो है लैटिन इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, जो पूरी दुनिया है या एक स्टेज है, और ये कहाँ से लिया गया है, एज यू लाइक इट से लिया गया है ये चीज जो है। और इस थिएटर में 1613 ईस्वी में आग लग गई थी, और उस समय हेनरी VIII का प्रेजेंटेशन चल रहा था, और 1644 में इस थिएटर को ढहा दिया जाता है या रीबिल्ड किया जाता है, रीबिल्ड एंड फाइनली पुल डाउन इन 1644। तो अगर आप देखेंगे कि जो ग्लोब थिएटर है उसका एक हिस्ट्री रहा है, उसका हिस्ट्री ये रहा है कि इस थिएटर को तो एक और नाम है जिसका क्या नाम है, लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको ग्लोब थिएटर को किस और नाम से जाना जाता है, कंपनी। ग्लोब थिएटर को किसने बनवाया था, सर रिचर्ड बर्बेज। कब बनवाया है सर, 1598। और इसको जिसके जो है मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम द थिएटर था, वो 1576 ईस्वी में बना हुआ था, और ये जो है टेम्स नदी के दक्षिण साइड में था, ये सब ठीक अपनी जगह है। और इसमें शेक्सपियर, और इसमें एक जगह लिखा हुआ है लैटिन में कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो ये जो डायलॉग है कहाँ से लिया गया है सर, एज यू लाइक इट से, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट के एक्ट सेकंड से 37 से लिया गया।
और जो ये थिएटर था इसमें आग कब लगी थी? 1613 में। 1613 सर। उस समय शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था? सर हेनरी एट हो रहा था। इसको जो है पूरी तरह से कब खत्म ढहा दिया जाता है? 1644 में। उसके पीछे रीजन ये था कि 1642 ईस्वी में थिएटर पे बैन लगा दिया गया था। मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि थिएटर को बैन कर दिया गया था कब? 1642 में। गॉथिक नॉवेल जो रहा है 18th सेंचुरी का था। गॉथिक नॉवेल था 18th वैल्यू। तो गॉथिक नॉवेल 18वीं शताब्दी में आया और ये जो है जर्मन वर्ड गॉथ से आया हुआ है। इसमें रीजन को जर्मन वर्ड गॉथ था वो आर्किटेक्ट से बिलोंग करता है और उसमें जो है क्या होता है कि थोड़ा सा सेंसेशन है, वेंचर है और करेज है, बोल्डनेस है, इन सब तमाम चीजों को लेकर के बात की जाती है। तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दूसरा पैसेज है गॉथिक विकेट ऑल दैट वाज फेल्ड टू बी गॉथिक उन सब चीजों से एसोसिएटेड था जो फैंटास्टिक होता था, ग्रोटेस्क होता था, वाइल्ड होता था, सेवेज होता था और मिस्टीरियस होता था। गॉथिक नॉवेल की सबसे पहली शुरुआत होरेस वॉलपोल के नॉवेल कैसिल ऑफ ट्रेंटो से होती है जिसकी सेटिंग इटली में मिडिल एज में है। उसके बाद जो है कुछ और नॉवेल आता है, मॉन्क लेविस का द मॉन्क आता है 1796 में, एंड रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो आता है। ये सब जेन ऑस्टिन का नॉर्थेंजर अबे आता है। जेन ऑस्टिन का क्या आता है? नॉर्थेंजर अबे। I just want to tell you कि ये जितना चीजें आप देख रहे हैं या जितनी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं उन सब में से अगर आप देखेंगे कि जो गॉथिक नॉवेल है या गॉथिक नॉवेल 18वीं शताब्दी में आया, जर्मन वर्ड गॉथ से या उसके आर्किटेक्ट से बिलोंग करता है, इसपे जो है ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लिया गया जो फैंटास्टिक था, ग्रोटेस्क था, वाइल्ड था, सेवेज था, मिस्टीरियस था। हाँ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत होरेस वॉलपोल के कैसिल ऑफ ट्रेंटो से होता है 1769 में। और आपके एक और राइटर है मॉन्क लेविस का द मॉन्क है 1796 ईस्वी में, एंड रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो 1794 ईस्वी में, जेन ऑस्टिन का नॉर्थेंजर अबे है। तो ये सब चीजें तो मैंने बता दी, केवल आप मुझे ऐसे से बताइए कि कैसिल ऑफ ट्रेंटो किसने लिखा? सर होरेस वॉलपोल। होरेस वॉलपोल। इसमें डेट 1764 है लेकिन 1765 उसकी डेट आती है। और किसने लिखा है द मॉन्क? सर लेविस ने। लेविस ने लिखा है सर। लेविस। द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो किसने लिखा है? सर एंड रेडक्लिफ। किसने लिखा है नॉर्थेंजर अबे? सर जेन ऑस्टिन ने। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया है कि जो लॉर्ड बायरन है उनका एक ड्रामा है जिसका नाम है मैनफ्रेड, उसका जो हीरो है उसका भी स्प्रिट गॉथिक स्प्रिट है, मतलब वो भी लगभग गॉथिक पैटर्न पर ही लिखा गया। तो बायरन के किस ड्रामा में गॉथिक स्प्रिट का हीरो देखने को मिलता है? सर बायरोनिक हीरो में मैनफ्रेड। उसके बाद है ग्रेवयार्ड स्कूल। ग्रेवयार्ड स्कूल जो है 18वीं शताब्दी का एक ग्रुप ऑफ पोएट्स रहे हैं और इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इनका जो सेटिंग होता था ग्रेवयार्ड में बैठ करके लिखते थे, इनमें डिप्रेशन, ग्लूमी एटमॉस्फियर, एग्नी ग्रीफ और डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ और जो सिस्टम थे बहुत ज्यादा उससे जो है खुश नहीं थे। ये जो लोग थे उसमें से एक राइटर जो है थॉमस ग्रे थे जिनका नाम था, जिनकी पोयम है एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दूसरे राइटर है रॉबर्ट ग्लेयर जिनकी पोयम है द ग्रेव। ये दो एग्जांपल आपको जो है ध्यान में रखना है। तो जो ग्रेवयार्ड स्कूल है, ये ग्रेवयार्ड स्कूल जो है कुछ नहीं है, ग्रेवयार्ड स्कूल एक लिटरी स्कूल था, लिटरी मूवमेंट था जो कि ऑगस्टन एज में आता है जिसमें जो पोयर्स जो है ग्रेवयार्ड में बैठ करके लिखते थे और जीवन की चिंता ना करके बल्कि समाज में जो इनइक्वालिटी है
दुनिया से जा चुके अपनी कब्रों में लेटे हुए उनके प्रति उनकी सिंपैथी होती थी उसको लेकर के बात करते थे, जिसमें टॉमस ग्रे का इजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च एंड रॉबर्ट ब्लेयर का द ग्रे, ये चीजें रही हैं। तो ये दो चीजें रही हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिटेल टर्म से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा बातें हुआ है, कई टर्म आ जाते हैं, रिवाइज भी करना जरूरी है उसका जो है। तो मैं यहीं तक रखूंगा और फिर हम लोग कल मिलेंगे, आप ये सारी चीजों को रिवाइज कर लो। जी सर, ओके, थैंक यू सर।